दोस्तों आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है बिल्कुल बजट फ्रेंडली होने वाली है। कम से कम पैसों में दोस्तों मैं आपको श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करवाने वाला हूँ। अभी गाइज मैं हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, दिख लीजिए मेरे पीछे। और दोस्तों इस रूट की सबसे बेस्ट जो ट्रेन है आज उससे हम जाने वाले हैं। बहुत लोग दोस्तों इस ट्रेन से जाते हैं। दोस्तों 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर भीड़ देखिए, अल्टीमेट भीड़ हो रही है गाइज। दिखा रहा हूँ जाबाज दोस्तों सामने देखिए, ये है वंदे भारत एक्सप्रेस। कर लीजिए दोस्तों फर्स्ट दर्शन यहाँ से श्री अर्थ कुआरी जी के। दोस्तों पहुंच चुके हैं जगारा शेरवाली दा बोल साचे दरबार की जय। जब माता का बुलावा होता है तो सारे काम बंद से चले आते हैं। दोस्तों ये है अपना 515 रूम नंबर और इस तरीके का दोस्तों आपको यहाँ डोर मैट्री मिलती है। दोस्तों ये रूम है 203 नंबर फर्स्ट फ्लोर पर, ये आप देख लीजिए। इस तरीके का आपको यहाँ पर रूम मिल जाता है, आपको यहाँ पर डबल बेड मिल जाते हैं। इस पर 3 लोग आ जाएंगे आराम से भैया जी जी। हाँ और देख लीजिए आपको यहाँ पर गीजर मिल जाता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वॉशरूम है दोस्तों। देख लीजिए आप वॉश बेसिन है और यहाँ पर आपको इटालियन सीट मिल जाती है। तो भैया मुझे बताइए इसका टैरिफ क्या पड़ने वाला है आप यहाँ पर? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पे। हाँ जी दोस्तों आपने सही सुना है, आपको दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कहाँ आपको स्टे करना है, कहाँ आपको अच्छा फूड मिलेगा और सबसे मेन क्वेश्चन जो सभी का होता है कि अभी भवन पर स्नोफॉल कब तक होगी। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आप जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे इस पेज को फॉलो कर लीजिए। चलिए उसको करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है शिवांकर और आप देख रहे हैं SBT's स्टोरीज। दोस्तों आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है बिल्कुल बजट फ्रेंडली होने वाली है। कम से कम पैसों में दोस्तों मैं आपको श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करवाने वाला हूँ। अभी गाइज मैं हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, दिख लीजिए मेरे पीछे। और दोस्तों इस रूट की सबसे बेस्ट जो ट्रेन है आज उससे हम जाने वाले हैं। बहुत लोग दोस्तों इस ट्रेन से जाते हैं और दोस्तों ट्रेन नंबर है 12445 और ट्रेन का नेम है उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। हाँ जी दोस्तों आज इसी ट्रेन से हम जाने वाले हैं। और गाइज जैसे मैं आपको बताया बजट में, तो आज मैं जनरल कोच में अपनी जर्नी करने वाला हूँ। तो दोस्तों एज अ व्लॉगर फर्स्ट टाइम मैं जनरल कोच में जर्नी कर रहा हूँ, तो आपको सारा एक्सपीरियंस बताऊंगा। अगर आप भी नहीं गए हैं जनरल कोच में या जाना चाहते हैं तो आपको सारा एक्सपीरियंस बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आपको टिकट की बता दूं, जनरल कोच की टिकट दोस्तों एडवांस में नहीं मिलती, आपको सेम डे ही जनरल कोच की टिकट लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले दोस्तों टिकट लेते हैं और फिर आगे आपको मिलता हूँ। दोस्तों आप सामने दिख रहे हैं यहाँ का पूछताछ केंद्र है, इक्वानी काउंटर। तो हम अपने यहाँ पर ट्रेन की इंक्वायरी करते हैं। मैंने दोस्तों अपनी ट्रेन की इंक्वायरी कर ली है, हमारी ट्रेन 8:30 बजे 15 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। तो चलिए चलते दोस्तों पहले टिकट लेते हैं, क्योंकि टिकट का दोस्तों ऊपर से रास्ता है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं। आपको ऊपर जाना पड़ेगा टिकट लेने के लिए जनरल की और फिर हम अपने चलेंगे 15 नंबर प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ऊपर आएंगे तो आपको टिकट घर दिखा देता हूँ। टिकट काउंटर आपको इस तरफ मिलेगा, उस तरफ जाना है, दिख लीजिए सामने लिखा हुआ है टिकट घर। यहाँ से दोस्तों आपको इंक्वायरी भी जाएगी और टिकट घर भी यहाँ पर ही है। तो अपनी टिकट लेते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर ऐसा वहाँ सामने से आएंगे, आपको इस तरफ दिख लीजिए टिकट काउंटर, यहाँ से आपको जनरल टिकट मिल जाएगी और मेरे नंबर इन भैया के पीछे है। तो मैंने टिकट ले ली है, देख लीजिए कुछ इस तरीके की टिकट मुझे मिली है। और दोस्तों 215 रुपये की टिकट मुझे मिली है, देख लीजिए लिखा हुआ है दिल्ली से कटरा श्री माता वैष्णो देवी कटरा, और 215 रुपये की टिकट है। अब चलते हैं आज अपने 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर, वहाँ हमारी ट्रेन 8:30 बजे तक आने वाली है। आपको दोस्तों यहाँ पर वेटिंग हॉल मिल जाएगा स्लीपर कोच का, देख लीजिए वेटिंग लाउंज। और इस तरफ भी है दोस्तों, दोनों तरफ है, अगर आपकी ट्रेन लेट वगैरह है तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं, आपको ठंड वंड से आपका बचाव हो जाएगा। दोस्तों 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर भीड़ देखिए, अल्टीमेट भीड़ हो रही है गाइस नीचे उतरते ही। पहुँच चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर और मैं आपको ट्रेन की टाइमिंग्स बता दूँ। नई दिल्ली चलती है दोस्तों 8:50 पर शाम को, और सुबह मॉर्निंग बताती है दोस्तों कटरा 7:55 पर। अगर आपको दोस्तों जनरल कोच में सीट लेनी है तो आप यहां पर 8 बजे तक आ जाइए, क्योंकि 8:15 तक दोस्तों प्लेटफॉर्म पे ट्रेन लग जाती है।
तो उस टाइम कुछ परसेंट चांसेस होते हैं कि आपको सीट मिल जाए। एक बजे दोस्तों देख लीजिए ये हाल है इस जनरल कोच का, और ऐसी हमारी जर्नी होने वाली है। दिखते हैं दोस्तों गाइस सीट मिलती है नहीं मिलती, आगे आपको अपडेट करते हैं। तो निकल चुके अपनी ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, 20 मिनट दोस्तों यहाँ पे लेट हो गई, 9:10 में यहाँ से चली है। पूरी पैक है, पूरी पैक है। मैं भी पानी बताने वाला है भी। दोस्तों पानी बता चुका है, देख लीजिए। और यहाँ पर दोस्तों ये भीड़ चढ़ने वाली इतनी। मैंने बड़े सीन होते हुए देखे इसमें चढ़ी इसमें। तो भीड़ देखो कितनी भीड़ है, यहाँ पर भी बहुत सारे श्रद्धालु हैं या और कहीं जाने वाले हैं, यहाँ पर भी बस तो बहुत सारी भीड़ है। देख लो कितनी भीड़ है जनरल कोच के अंदर, लोग बाथरूम के अंदर तक खड़े हुए हैं दोस्तों। ये हाल है इस जनरल कोच का। दोस्तों अम्बाला से डिपार्चर अपना देख लीजिए, ये गाड़ी बस आधा घंटा लेट चलती है अपने टाइम से। और ये देख लीजिए दोस्तों रात के टाइम हो रहा है यहाँ पर, 11:30 इसका टाइम था आने का, बट ये यहाँ 12 के आसपास आई है। यहाँ से थोड़ा वॉइस ओवर करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मेरे पीछे लड़के खड़े हैं, उन्होंने ब्लूटूथ स्पीकर बजा रखा है। तो आपको सामने चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, और दोस्तों आपको एक इस तरफ मिल जाता है, ये देख लीजिए आप यहाँ फ़ोन में चार्ज लगा सकते हैं अपना। ये देखो दोस्तों ये स्पीकर है, ये इन्होंने फुल वॉल्यूम बजा रखा है, और मैं 2 बोल भी चुका हूँ उनको कि आवाज़ थोड़ी कम कर लो, बट सुन ही नहीं रहे दोस्तों, क्या कर सकते हैं। मैं ही चुप हो गया फिर, क्योंकि दोस्तों लड़ाई करके नहीं जानी, आराम से जाएंगे। दिखा रहा हूँ जाबाज दोस्तों। इस जनरल कोच में बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है दोस्तों, वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बाहर आया हूँ। दोस्तों मैं आपको इसका रूट बता दूँ, ये दिल्ली से निकल के पानीपत पहुँचती है, पानीपत बाद अम्बाला, लुधियाना, जलंधर, पठानकोट, खटुआ, फिर आपका ये जम्मू तवी में पहुँचती है, उस पर फिर दोस्तों आपका ये रामनगर, रामनगर के बाद दोस्तों ये पहुँचती है कैप्टन तुषार महाजन, जिसका पहले नाम था दोस्तों उधमपुर, अब उसको चेंज करके दोस्तों कैप्टन तुषार महाजन कर दिया गया है। और फिर दोस्तों फिर अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचती है श्री माता वैष्णो देवी कटरा। और दोस्तों डिस्टेंस की बात करूँ तो 655 किलोमीटर की जर्नी होने वाली है, और टाइम दोस्तों ये रहती है दिल्ली से कटरा तक के लिए, तो 11 घंटे में दोस्तों आपको दिल्ली से कटरा पहुँचा देती है। गाइस अभी ठंड चल रही है तो अभी 1-2 लेट हो जाती है, तो अदरवाइज दोस्तों बहुत अच्छी ट्रेन है इस रूट की। क्या आप उसको ओवरनाइट जर्नी सोते हुए करते हो, और सुबह सुंदर सुंदर नज़ारे देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंच जाते हो। दोस्तों सीट मिल चुकी है मुझे, देख लीजिए यहाँ से थोड़ी हमारी जर्नी आराम देख जाएगी। देखते गाइस और कैसा इसमें रहने वाला है, जब से तो फटे हुए थे अब सीट मिली आके, फिर आगे आपको अपडेट करते हैं जैसे भी होगा। घर से खाना लिखा है देख लीजिए मैं, और अब खाना खाता हूँ दोस्तों, क्योंकि अब थोड़ा सा रिलैक्स मिला है ट्रेन के अंदर, अब टाइम मिला दोस्तों खाना खाने का, खाना खाते हैं और फिर आपको आगे मिलते हैं। दोस्तों पहले से खाली हो चुका है जनरल कोच बिल्कुल ही, और मुझे भी सीट मिल चुकी थी जैसे मैंने आपको दिखाया है अभी। तो वेरी गुड मॉर्निंग, आज हम पहुंच चुके हैं जम्मू तवी स्टेशन पर, और दोस्तों हम यहाँ पर 1.5 लेट हो चुके हैं ट्रेन। अब दोस्तों 2 स्टेशन हो रहा है फिर आप अपनी डेस्टिनेशन आ जाएगी, इसके बाद आपका रामनगर आएगा, उसके बाद आपका कैप्टन तुषार महाजन,
जिसका पहले नाम था उधमपुर, उसको चेंज करके कैप्टन तुषार मादन कर दिया गया। और फिर हमारी डेस्टिनेशन श्री माता वैष्णो देवी। उस तो अंदर तो बहुत सफोकेशन है, गर्मी है, अभी बाहर आया तो पता लगा कि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है दोस्तों यहाँ पर। और देखते हैं दोस्तों अभी तक का सफ़र जो है बिल्कुल मस्त कटा है, रात को भी ऐसा है क्योंकि जलंधर के पास दोस्तों ट्रेन खाली होती चली गई, ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो फिर दोस्तों अभी नॉर्मल था, ज़्यादा हमें सीट भी मिल गई थी अच्छे। दोस्तों सामने देखिए ये है वंदे भारत एक्सप्रेस, क्या अल्टीमेट ट्रेन है दोस्तों, लगी नहीं थी ये इंडिया की ट्रेन है। ये अभी जम्मू तवी स्टेशन पर खड़ी हुई है। दोस्तों हमारा डिपार्चर हो चुका है जम्मू तवी स्टेशन से। दोस्तों बाहर फॉग तो बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी है, देख लो। इतनी फॉग हो रही है, मजा आ रहा है दोस्तों, कंट्री इंडिया वाला करिए यहाँ पर बहुत। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं, ये देख लीजिए सामने त्रिकूट पर्वत, आप जो दिख रहे हैं सामने ये वाइट वाइट, दोस्तों ये अर्धकुंवारी मंदिर है देखो। दोस्तों पहुंच चुके हैं जगारा शेरवाली दा बोल साचे दरबार की जय। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पर, और दोस्तों 2 घंटे हमारी ट्रेन लेट हो चुकी है, अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और फिर दोस्तों अपना स्टिक ऑप्शन देखते हैं। दोस्तों मैं पहुंचा 9:20 पर, सामने देख रहे आपको वॉच दिख रही होगी, यहाँ से दोस्तों आप जाना हमारे को ऊपर और वहाँ सामने से हमारी एग्जिट होगी। दोस्तों आपको स्टेशन पे भी RFID कार्ड मिल जाएगा, देख लीजिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर। तो अगर आप यहाँ को अगर आपको दोस्तों यहाँ से RFID कार्ड बनवाना अपना तो आप यहाँ से बना सकते हैं, बस सिंपल आपको बस अपना आधार कार्ड दिखाना होगा इनको और वो आपको आपका RFID कार्ड बना के दे देंगे। दोस्तों ये सामने टैक्सी प्रीपेड काउंटर दिख लीजिए, और आपको यहाँ पर रेट दिख रहे 7 सीटर स्टेशन टू बाणगंगा 420 रुपये, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप रेट एक बार दिख लीजिए। हमने ऑटो दिख रहे हैं, ये एक ऑटो के क्या नाम 160 रुपये लेते हैं और आपको बस स्टैंड या बाणगंगा छोड़ देंगे, और इसमें से 4 से 5 लोग दोस्तों इस ऑटो के अंदर बैठते हैं। और गाइस अपन तो यहाँ से पैदल निकल लेंगे, 10-15 मिनट का रास्ता है और फिर वहाँ पर आपको मिलकर पिक करते हैं। दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूँ, आपकी जो प्रीपेड सिम है वो जम्मू के अंदर कटरा में नहीं चलेगी, तो आपको सिम अगर लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। पीछे देख लो जी, ये मेरे पीछे काउंटर बने हुए हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं सिम। और जो इनके प्राइस है दोस्तों आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, ये प्लान है 300-350। जियो और एयरटेल के दोस्तों यहाँ पर अच्छे नेटवर्क आते हैं, तो अगर आपको नीड है सिम लेनी है तो आप यहाँ पर एक सिम ले सकते हैं। ये देख लीजिए पीछे मेरे है, सामने देखो आपको स्टेशन है, स्टेशन के बाहर से जब आप आओगे यहाँ आपको बहुत सारे मिल जाएंगे कैनोपी लगा के, जहाँ पर आपको सिम अवेलेबल हो जाएगी। तो मैं पहुँच चुका हूँ कटरा चौक, इसको फवारा चौक और बाबा श्रीजा चौक भी बोलते हैं। गाइस यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से कुछ भक्त निवास चला जाते हैं, जहाँ पर आपको डोरमेट्री और रूम्स मिल जाते हैं, तो अभी हम वहाँ पर इंक्वायरी करते हैं। उसका नाम है दोस्तों न्यायिका कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर आप उसको न्यायिका भवन भी बोल सकते हैं। फिर हम वहाँ की इंक्वायरी करते हैं, फिर मैं आगे आपको अपडेट देता हूँ। दोस्तों आपको कटरा चौक के पास भी RFID कार्ड यहाँ मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन काउंटर देख लीजिए, आपको यहाँ पर 5:00 से लेकर 10:00 तक दोस्तों यहाँ पर आपको RFID कार्ड मिल जाएगा। दोस्तों एक आपको रेलवे स्टेशन में मिलेगा और एक आपको यहाँ पर मिलेगा, मैंने दिखा दिया है, अगर आपको यहाँ से लेना है यहाँ से ले लीजिए, आपको वहाँ से लेना है वहाँ से ले लीजिए। दोस्तों ये श्राइन बोर्ड वाले को देख लीजिए, न्यायिका कॉम्प्लेक्स, आपको ये पुराना बस स्टैंड ये दिख लीजिए सामने, यहाँ पुराना बस स्टैंड है उसके बिल्कुल सामने आपको मिल जाएगा। तो अंदर चलते हैं और इंक्वायरी करते हैं। तो दोस्तों मैंने इंक्वायरी कर ली है न्यायिका कॉम्प्लेक्स में, गाइस आपको यहाँ पर डोरमेट्री, रूम, बैटरी कार और हेलीकॉप्टर की बुकिंग आपको यहीं से मिल जाएगी। और आपको रूम की बुकिंग जो आपको अर्धकुंवारी में करवानी हो, भवन में करवानी हो, कटरा में करवानी है, उसकी बुकिंग दोस्तों आपको यहाँ से मिल जाएगी। दोस्तों रूम तो अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है और ना डोरमेट्री अवेलेबल है, मैं आपको चार्ज बताता हूँ रूम के चार्जेस दोस्तों नॉन AC के है 800 रुपये और डोरमेट्री के दोस्तों 150 रुपीज़ है,
और दोस्तों अभी तो यहाँ फुल हो चुके हैं, बस 8-10 रह चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर लोग लाइन में लगे हैं, वो उनको मिल जाएंगे। बट मुझे गार्ड भैया ने बोला है कि यहाँ पर एक त्रिकुटा भवन भी है, आप वहाँ पर जाइए, आपको क्या पता वहाँ पर डोरमेट्री मिल जाए। तो अब त्रिकुटा भवन चलते हैं और फिर वहाँ पर जाके मैं आपको अपडेट करता हूँ। आपको यहाँ पर भी RFID कार्ड मिल जाएगा, बट जिन्होंने दोस्तों यहाँ पर डोरमेट्री और रूम ले रखे हैं उनको यहाँ से RFID कार्ड मिलेगा। और गाइस मैंने आपको एक स्टेशन पे दिखा दिया था, और एक आपको दोस्तों मैंने कटरा पे दिखा दिया था, और एक आपको यहाँ पर न्याय कॉम्प्लेक्स में दिखा दिया था। तीन जगह से दोस्तों आप कहीं से भी अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। बट यहाँ से ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ से उनको ही मिलेगा जो यहाँ पर स्टे कर रहे हैं रूम में या फिर डोरमेट्री में। अगर आप RFID कार्ड ले रहे हैं तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए, RFID कार्ड दोस्तों सिर्फ 6 घंटे के लिए वैलिड होता है। अगर आप 6 घंटे के बाद जाते हैं, बाणगंगा का रूट क्रॉस करते हैं, तो आपको वो अंदर जाने नहीं देंगे, आपको दोबारा भेज देंगे कि दोबारा मना कराओ। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, जब भी आप RFID कार्ड बनवा रहे हैं तो आप 6 घंटे के अंदर अंदर अपनी यात्रा जो है स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों मुझे पालकी वाले भैया मिले। भैया क्या रेट रहने वाले हैं पालकी के? बाणगंगा से अगर भवन तक जाना होगा 3150 रुपया वन साइड का। 3150 रुपये दोस्तों वन साइड का। पालकी में 4 लोग होते हैं, पालकी में 4 लोग उठाते हैं, एक सवारी बैठ 4 लोग उठाते हैं। और अप डाउन का क्या रहेगा? 6300 आपका अप डाउन रहेगा। अगर आपको जाना है पालकी से आप जा सकते हैं। भैया का नाम आपका? अब्दुल सत्तार। आपका नंबर बता दीजिए भैया साहब, कॉन्टेक्ट कर लीजिए आप। भैया आपका नंबर बता दीजिए। हमारा नंबर 7899-76-0674। अगर आपको इनके नीचे स्क्रीन पर इनका नंबर दे दूंगा मैं आपको। अगर आपको पालकी जानी है, आपके साथ कोई बड़ा बुजुर्ग कोई जा रहा है, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। भैया का नाम? अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार नाम भैया, आपको यहीं मिलेंगे कटरा चौक पे ही। और आपको आप लोगों को किसी टाइम भी हो जाएगा, 24 आवर्स आप किसी टाइम भी यहाँ पर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच भैया। ये है दोस्तों त्रिकुटा भवन, अंदर चल के इंक्वायरी करते हैं। तो दोस्तों लकीली मुझे बेड मिल चुका है गाइस। सच में जब माता का बुलावा होता है तो सारे काम बनते चले आते हैं। पहले मुझे दोस्तों ट्रेन में सीट मिल गई, और अब मुझे डोरमेट्री मिल गई। और दोस्तों ये मुझे डोरमेट्री मिली है, और ऊपर चलते हैं, 4th फ्लोर पर है। अब मैं आपको अपनी डोरमेट्री दिखाता हूँ। दोस्तों ये है अपना 515 रूम नंबर, और इस तरीके का दोस्तों आपको यहाँ पर डोरमेट्री मिलती है। आपको यहाँ पर ऐसे 5 बेड मिल जाते हैं, सॉरी 10 बेड मिल जाते हैं, 5 ऐसे मिल जाते हैं दोस्तों, आपको 5 ऐसे मिल जाते हैं। और बेड पे दोस्तों कोई नंबर नहीं है, तो आप अगर 1 आ रहे 2 आ रहे तो अपने हिसाब से आप बेड ले सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। और ये दोस्तों आपको यहाँ पर लॉकर मिल जाता है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 6 लॉकर दोस्तों मिल जाते हैं। बट इसमें दोस्तों लॉक नहीं है कोई, अगर आपको सामान रखना है तो आप नीचे अपना लॉकर रूम में रख सकते हैं, अगर यहाँ से आप जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो अभी फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पर स्टे करूँगा, तो इसलिए मैंने अपना सामान भी यहाँ रख दिया है। सामने आपको मिरर मिल जाता है। और दोस्तों ये AC है, देख लीजिए, गर्मी में इसको AC डोरमेट्री बना देते हैं, यहाँ 2 AC लगे हुए हैं, और ट्यूबलाइट फ़ैन वगैरह सब कुछ दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और ये सॉकेट मिल जाता है दोस्तों चार्जिंग के लिए, आपको यहाँ पर सॉकेट मिल जाते हैं, एक यहाँ पर है एक वहाँ पर सामने है। सो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों हमारी जो विंडो से है सर्किट पर का नज़ारा आता है, देखिए वो सामने आप जो देख रहे हैं ये ताराकोट मार्ग है, और इस तरह आप देखेंगे ऊपर तो ये भैरव घाटी है दोस्तों। इतना अच्छा दोस्तों ऐसा व्यू आ रहा है, देख लीजिए। दोस्तों ये है त्रिकुटा भवन, देख लीजिए, ये आपको यहाँ पर 4 फ्लोर मिल जाते हैं, और नीचे ग्राउंड फ्लोर है। और दोस्तों यहाँ सब में आपको डोरमेट्री मिलेगी, यहाँ पर रूम नहीं है। रूम आपको अगर लेना है तो आप क्या नाम है निहारिका कॉम्प्लेक्स में ले सकते हैं। और दोस्तों आपको हर फ्लोर पे देख लीजिए आपको वाटर कूलर मिल जाएगा, अगर आप गर्मियों में आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर गर्म ठंडा पानी मिल जाएगा पीने के लिए। और सामने दोस्तों वॉशरूम है, जेंट्स के और लेडीज़ के दोनों का अलग अलग वॉशरूम है। और दोस्तों वॉशरूम में गीजर भी अवेलेबल है, अगर आप ठंड में आ रहे हैं तो आप यहाँ पर गर्म पानी बना सकते हैं। और दोस्तों ये सामने आप दिख रहे हैं ये महालक्ष्मी जी का मंदिर है, और जब यहाँ पर सुबह शाम आरती होती है तो सब लोग दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं, और एक अच्छा सा माहौल बन जाता है। और दोस्तों आप यहाँ पर एज अ फैमिली, एज अ कपल, एज अ फ्रेंड सब आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ऐसे मैंने बताया कि दोस्तों अगर आप फैमिली या फ्रेंड आते हैं तो आप यहाँ पर देख लीजिए 10 बेड लगे हैं, 5 इस तरफ। अगर आप 10 लोग आते हैं फैमिली के तो आपके पूरा आपका पर्सनल हो जाएगा, और यहाँ पर आपको ये एक लॉकर मिल जाएगा। और सामने ये दोस्तों ये AC है, अगर आप गर्मी में आते हैं आपको गर्मियों के लिए AC भी मिल जाएगा। और दोस्तों एक चीज़ और, आपको यहाँ पर लिफ्ट मिल जाती है तो आपको ऊपर आने में आसानी होगी लिफ्ट से। तो ये है पूरा दोस्तों त्रिकुटा भवन। दोस्तों ये जेंट्स टॉयलेट है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको वॉश बेसिन मिल जाएगा, और यहाँ आपको इंग्लिश पॉट मिल जाएगा इटालियन, और रास्ता यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा इंडियन, और देख लीजिए आपको दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे। और दोस्तों नहाने की व्यवस्था दोस्तों यहाँ पर है, और सारे रूम में यहाँ पर गीज़र लगे हुए हैं, देख लीजिए। अगर आप ठंड में आ रहे हैं
तो आपको यहाँ पर गर्म पानी मिल जाएगा, आप गीज़र में नहा सकते हैं। ये देख लीजिए गीज़र लगा हुआ है, तो इस बात की दोस्तों आप टेंशन ना लें कि आप अगर यहाँ पर आ रहे हैं आपको गीज़र मिल जाएगा, आप यहाँ पर ठंडे पानी से नहीं गर्म पानी से नहाएंगे। तो दोस्तों ये भी आपकी बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है जी। यहाँ का दोस्तों भोजनालय त्रिकुटा भवन का और रेस्ट लिस्ट सारी यहाँ पर लिखी हुई है, देख लीजिए। टी कॉफ़ी मिल जाती है दोस्तों, आपको यहाँ थाली मिल जाती है 90 रुपये की, देख लीजिए। दाल राइस मिक्स वेज सब्जी और आपको 2 चपाती मिल जाती है, और सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक दोस्तों ये ओपन रहता है। आपको कुछ खाना पीना है दोस्तों यहीं से ले लिया, आपको बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ पर देख लीजिए राजमा चावल, कढ़ी चावल, चना पूरी, मिल्क सब आपको दोस्तों यहाँ पर मिल जाता है। सो गाइस मैंने राजमा चावल और एक चाय ली है, और ये आपका सारा सीटिंग एरिया दिखता है, देख लीजिए। आपको जहाँ मन चाहे वहाँ बैठ सकते हैं, वहाँ पर भी है दोस्तों, और एक सीटिंग एरिया बाहर भी है। और आपको मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसा टेस्ट है इसका। टेस्ट तो बिल्कुल सही है, एकदम ज़्यादा मिर्च, टेस्ट एकदम बिल्कुल सही दोस्तों, ना ज़्यादा मिर्ची है ना ज़्यादा इसमें नमक है, सही टेस्ट, नॉर्मल अच्छा है। एक बात बता दूं, अगर आप डोरमेट्री लेते हैं, चाहे भवन पे लेते हैं, चाहे कटरा में लेते हैं, चाहे आप अतकुआरी में लेते हैं, तो आप ऑनलाइन करके आइए। ऑनलाइन दोस्तों आपको ज़्यादा अच्छा रहता है, ऑन द स्पॉट करते हैं तो दोस्तों बहुत कम चांसेस होते हैं आपको कि मिल जाए। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप ऑनलाइन करके आए वो आपके लिए बेटर रहेगा, सबसे बढ़िया रहेगा दोस्तों आप अगर ऑनलाइन करके आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया 150 रुपीज़ दोस्तों नॉन एसी डोरमेट्री के, और एसी डोरमेट्री के 200 रुपये हैं। और अगर आप रूम लेते हैं नीचे कटरा में, तो आपको नॉन एसी 800 रुपये का पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से, अगर आपको यहाँ पर डोरमेट्री में रहना है आप डोरमेट्री रह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली वगैरह सब दोस्तों यहाँ पर फैमिली ही रह रही है, मैंने जितना देखा आपको। मैंने वॉशरूम भी दिखा दिया, वॉशरूम भी अच्छा है, गर्म पानी आपको यहाँ मिल जाता है। और दोस्तों आपको यहाँ पर रात को कंबल भी मिल जाएगा, कंबल की जो है दोस्तों 500 रुपये सिक्योरिटी चार्ज होता है, उसके कोई चार्जेस नहीं होते। जब आप कंबल वापस करोगे तो वो आपको 500 रुपये वापस दे देंगे। तो आप यहाँ पर स्टे करना चाहते हैं, स्टे भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर फ्रेश होने के लिए आ रहे हैं, तो आप फ्रेश होकर अपनी यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको डोरमेट्री में नहीं रहना, आपको होटल लेने हैं, अगर आप फैमिली साथ आ रहे हैं, ऐसे किसी साथ आ रहे हैं, तो मैं आपको एक होटल दिखाता हूँ जो मैं हर बार इसमें रुकता हूँ। दोस्तों लास्ट की जो मेरी वीडियो है मैं इसमें रुका था, तो मैं आपको होटल दिखाता हूँ, और होटल में आपको क्या टैरिफ होगा और कैसे रूम होगा। दोस्तों सामने आपको कटरा चौक मिल जाएगा, कटरा चौक से आप अंदर आएंगे इस तरफ मार्केट की तरफ, तो आपको यहाँ पर मिलेगा सुभाष ड्राई फ्रूट। फिर सामने वाली जो गली है तो उसके अंदर आपको जाना है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं जिस होटल में हर बार रुकता हूँ आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर आपको अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं या फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं, अगर आपको डोरमेट्री में नहीं रहना, अगर आप रूम में रहना चाहते हैं, तो आपको दिखा देता हूँ। वो सामने दोस्तों लाइट जल रही है सुभाष होटल, उसी होटल में आपको मैं रूम दिखाऊंगा। सो गाइस ये होटल है, देख लीजिए होटल सुभाष लिखा हुआ है, और ये इसका रिसेप्शन एरिया है। यहाँ पर एक भैया जी मिलेंगे, ये भैया जी आपका नाम क्या है? सोमराज भैया जी। भैया जी इस होटल का नाम क्या है आपका, बताइए मुझे पहले। होटल ओल्ड सुभाष। और लोकेशन क्या रहने वाली है आपकी इस प्रॉपर्टी की? मेन बाजार में, ठीक है। और आपके पास किस कैटेगरी के रूम होने वाले दोस्त? दो तरह के रूम है हमारे पास, एक तो 1350 रुपये का है और दूसरा है 1680 रुपये का। अच्छा, तो मुझे रूम दिखा सकते हैं आप? हाँ जी, क्यों। तो चलिए दोस्तों अब आपको रूम दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों बहुत बेस्ट प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ पर 2 साल से जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ तो इसी प्रॉपर्टी में रुकता हूँ। और अभी जो अंकल है यहाँ के जो मेन है, वो तो अभी किसी काम से बाहर गए हुए हैं, तो भैया दिखा रहे हैं, अगर वो अंकल आएंगे तो आपको उनसे भी मैं आपकी बात करवा दूंगा। दोस्तों ये रूम है 203 नंबर, फर्स्ट फ्लोर पे ही है ये, आप देख लीजिए इस तरीके का आपको यहाँ पर रूम मिल जाता है। आपको यहाँ पर डबल बेड मिल जाते हैं, इस पर 3 लोग आ जाएंगे आराम से भैया जी। जी हाँ, और अगर 4th लोगों को अगर रहना है यहाँ पर, तो आप मैट्रिक्स वगैरह अलाउ करवा देंगे? मैट्रिक्स। अच्छा, अलग से उसके कोई चार्जेस है या फ्री ऑफ कॉस्ट है वो? उसका अलग से चार्ज, क्या चार्ज होगा उसका? उसका 350 का एक मैट्रेस का लगेगा आपको। देखो ये आपका सफिशियंट रूम है, आपको यहाँ पर पंखा मिल जाता है। एसी रूम है उसमें? एसी कहाँ पर आपको दिखा सकते मुझे? तो ये आपको यहाँ पर विंडो एसी मिल जाता है, और आपको सामने मिरर मिल जाता है, देख लीजिए। आपको टीवी मिल जाता है, और आपको यहाँ पर थोड़ा सा चेयर मिल जाती है यहाँ पर बैठने के लिए, आप खाने पीने खा सकते हैं बैठ के। और दोस्तों आपको इसका वॉशरूम दिखा देता हूँ, देख लीजिए। आपको यहाँ पर गीजर मिल जाता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वॉशरूम है दोस्तों, देख लीजिए आप, वॉश बेसिन है। और यहाँ पर आपको इटालियन सीट मिल जाती है। तो भैया मुझे बताइए इसका टैरिफ क्या पड़ने वाला है आप यहाँ पे इस टाइम? अभी जो सीजन चल रहा है ये वाला, इसमें आप मैं वो क्या रेट पड़ने वाला है इस
1500 इंस्टा में आवाज तो आपको 1500 रुपए का रेट पड़ेगा, और सीजन पे आएंगे तो हम 2200 रुपए का। तो अगर आप सीजन पे आते हैं 2200 का पड़ेगा, और अभी जो फिलहाल है दोस्तों 1500 रुपए में आप 3 लोग आराम से यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा रूम दोस्तों भैया कौन दिखा रहे हैं आप? दोस्तों एक ये वाला रूम है, ये ग्राउंड फ्लोर पे ही है, आप देख लीजिए 105 नंबर रूम है, देख लीजिए इस तरीके का दोस्तों ये रूम है। दोस्तों ये नॉन एसी रूम है, आपको यहाँ डबल बेड मिल जाता है, जैसे मैंने बताया 3 लोग आराम से आप यहाँ पर आ जाएंगे। आपको पंखा मिल जाता है, टीवी मिल जाता है, सामने आपको मिरर मिल जाता है, और यहाँ पर आपको एक छोटी सी अलमीरा मिल जाती है, आप यहाँ सामान वगैरह रख सकते हैं जाती है। और दोस्तों ये इसका वॉशरूम होने वाला है, आपको यहाँ पर भी आपको दोस्तों गीज़र मिल जाता है, और इटालियन वॉशरूम है देख लीजिए। और गाइस ये नॉन एसी रूम है, अब ये क्या रेट रहने वाला है इस रूम का? इसका 1500 रुपये है सर। दोस्तों उसका 1500 रुपये रूम का टैरिफ रहने वाला है सीजन में। दोस्तों अभी क्या रहने वाला है उसका? अभी दोस्तों ये 1200 रुपये रहने वाला है इसका, 3 लोग आप यहाँ पर आराम से आ सकते हैं। अभी ऐसे ऐसे विंटर चल रहे हैं, ठंड का मौसम है, तो ऐसे भी एसी को जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। 1200 रुपये में आपको यहाँ पर रूम मिल जाता है, और आपको यहाँ पर एक मैट्रेस की जगह मिल जाती है। अगर आप 4 लोग हैं, 3 लोग ऊपर ले सकते हैं, एक नीचे ले सकता है। दोस्तों ये कुछ प्रॉपर्टी थी जो सुभाष होटल है। दोस्तों ये देख लीजिए, ये इसका विजिटिंग कार्ड है इस होटल का, आपको यहाँ नंबर मिल जाते हैं देख लीजिए दोनों, ये ऊपर वाला जो है दोस्तों ये व्हाट्सएप नंबर अंकल जी, और नीचे वाला दोस्तों आपका कॉल है, और ये एड्रेस देख लीजिए मेन बाजार कटरा वैष्णो देवी, और आपको यहाँ पर लैंडलाइन नंबर मिल जाता है। आपको यहाँ पर स्टेशन में ये अंकल मिलेंगे। अंकल जी आपका नाम क्या होगा? शोरूम शर्मा। अंकल जी अगर कोई फ़ोन करके आता है तो आप उसको करवा देंगे ऑनलाइन, मतलब कि होटल एडवांस में? अच्छा कितने दिन पहले आपको फ़ोन करना पड़ेगा अगर हम आ रहे हैं तो? नहीं जब क्या टिकट वगैरह ओके होती है तो आप कॉल कर लीजिए। तो एक दिन पहले अगर हम अगर नहीं, एक दिन पहले तो नहीं होता, हाँ वो कंफर्म इंक्वायरी करना पड़ेगी ना। हाँ वो वैसे पूछ रहे हैं कितने दिन तक पहले आपको मैं कॉल कर सकता हूँ अगर मैं कोई व्यूअर्स आ रहा है आपको इस वीडियो को देख के? होता ना जैसे आपकी ट्रेन की टिकट 3 महीने पहले होते तो आप पहले भी बुकिंग करवा? अच्छा 3 महीने पहले भी कर सकते हैं? अच्छा दोस्तों इसमें कोई टाइम नहीं है, जैसे आप ये मान लो जितना जल्दी हो सके आप करवा लीजिए अगर आप यहाँ पर इस होटल में आपको रहना है तो। अगर कोई मेरे व्यूअर्स आएगा तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करवा लेंगे का रेट? हाँ ठीक है, टाइम का सिचुएशन उसको मैंने बात कर ली है। अगर आप यहाँ पर आएंगे रेफरेंस लेंगे एसबीटी स्टोरीज का तो आपको जो भी बेस्ट प्राइस होगा वो अंकल आपको दे देंगे। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच अंकल। जरूरी नहीं है जो रेट बताया वही देंगे, हाँ वो आपको कर लोगे टाइम के हिसाब से, जो भी थोड़ा ऊपर नीचे होगा थोड़ा सा कर लेंगे। ठीक है, करने पड़ते हैं। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच अंकल। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ दोनों चीज दिखा दी, मैंने आपको यहाँ पर होटल भी दिखा दी और आपको डोरमेट्री भी दिखा दी, आपको जिसमें आपका मन चाहे आप उसमें रुक सकते हैं। दोस्तों डोरमेट्री तो अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो गाइस ये ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मैं श्री माता वैष्णो देवी के भवन के दर्शन करवाने वाला हूँ, तो उस ब्लॉग को पूरा देखिए। दोस्तों अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, टाटा बाय बाय।